मिडिल ईस्ट में अमेरिका ऐतिहासिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन में उसकी साख दांव पर लगी है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इसराइल को बचाने के लिए वो जी जान से लगा हुआ है। लेकिन उसकी इस कोशिश में ईरान के प्रभाव वाला यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्ला पलीता लगा रहे हैं। वहीं ईरान रूस के इशारे पर एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट पूरी तरह से छोड़ना पड़े। और इसकी सबसे पहली कड़ी यमन का हूती है, जिसने लाल सागर में अमेरिकी सेना की नाक में दम कर रखा है। हूती ने कई अमेरिकी जहाजों पर लाल सागर में हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका हूती को काबू करने में पूरी तरह से विफल हो रहा है। और यही वजह है कि अब यमन को अमेरिका की दूसरी 9/11 विरासत बताया जा रहा है। क्योंकि अमेरिकी सेना तकरीबन 20 सालों तक अफगानिस्तान में रही, लेकिन वो तालिबान का सफाया नहीं कर पाई और आखिर में 20 सालों बाद उसे तालिबान को ही अफगान की सत्ता सौंपनी पड़ी। और कुछ ऐसा ही अब यमन में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यमन के भीतर हूती को लेकर अमेरिका काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है, क्योंकि हूती और अमेरिका के बीच 2002 से ही लड़ाई चल रही है। यमन के ज़्यादातर हिस्से पर हूती का कंट्रोल है। हूती लाल सागर में अमेरिका के कई जहाजों पर हमले कर चुका है। इसके अलावा उसने अमेरिका के 9 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले हूती ने सऊदी अरब के झंडे वाले अमजाद और पनामा के झंडे वाले ब्लू लगून जहाज पर मिसाइल हमले किए थे। और इन हमलों को मिलाकर हूती अभी तक 80 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुका है। इसके अलावा हूती ने लाल सागर के ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस रूट से दुनिया का 90% माल ढुलाई ट्रैफिक गुजरता है। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत यहां तैनात किए, लेकिन उनसे भी हूती डरा नहीं। इसके बाद अमेरिका ने हूती पर जनवरी 2024 के आखिरी में कई हवाई हमले किए। इसके बावजूद हूती बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो साल 2002 से अमेरिका ने यमन के भीतर करीब 400 हमले किए हैं। साल 2014 में हूती ने यमन की राजधानी सना को कब्जे में ले लिया था और उसके बाद से ही हूती ने कई अमेरिकी ड्रोन्स को गिराया है। हालांकि इसी दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब को हूती के खिलाफ खड़ा किया। सऊदी ने सहयोगी देशों के साथ हूती के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया और कहा कि ये जंग कुछ हफ्तों बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन 10 सालों बाद भी हूती ईरान के बलबूते पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। ये सब तब हुआ जब अमेरिका ने सऊदी की अगुवाई वाली सेना को सैन्य उपकरणों से लेकर इंटेलिजेंस सपोर्ट और ट्रेनिंग तक दी। लेकिन सऊदी सिर्फ यमन के राष्ट्रपति हादी को साल 2021 तक सत्ता में रख पाया और इसी दौरान हूती ने हादी की सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद यमन की सत्ता पर काबिज हो गया। इसके बाद उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन को दी जाने वाली 73 लाख अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता रोक दी थी। अमेरिका को डर था कि कहीं हूती इस मदद को हड़प कर और ज्यादा मजबूत ना हो जाए। हालांकि बाइडेन की सरकार ने फरवरी 2021 में हूती को आतंकी संगठन की सूची से बाहर कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने एडवांस मिसाइल सिस्टम भी हटा लिए। साथ ही अमेरिका ने सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन को समर्थन देना भी बंद कर दिया। हालांकि अमेरिका ने सऊदी अरब को उसकी जमीन की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए यमन में संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। दरअसल अमेरिका की इस कोशिश का असर भी हुआ और अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाले युद्ध विराम समझौते पर हूती ने हामी भर दी। हालांकि ये समझौता अक्टूबर 2022 तक ही टिक पाया, लेकिन इसे संघर्ष और ज्यादा नहीं बढ़ा। इसके बाद हूती का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब शांति वार्ता के लिए गया था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हूती ने शांति वार्ता से खुद को अलग कर लिया और फिर लाल सागर में हमले करने शुरू कर दिए।